नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो 7 से 11 सितंबर तक 3 यूरोपीय देशों की अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। पार्टी के एक नेता के अनुसार राहुल गांधी दुनिया में भारत विषय पर एक व्याख्यान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही वहां राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के बीच बातचीत होगी। नीदरलैंड के विजन हेवन में कांग्रेस नेताओं के अलावा प्रोफेसर जिन मिफसूद बोनीसी भी मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस भाक ने 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की भारत की महत्वाकांक्षाओं को समर्थन किया है। भारत सरकार इस आयोजन को अहमदाबाद गुजरात में आयोजित करने की योजना बना रही है। हालांकि ओलंपिक की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए भारत को कई चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना होगा। इनमें देश के बुनियादी ढांचे में सुधार, पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना और खेलों की लागत को नियंत्रित करने की आवश्यकता शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद 2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी को गंभीर माना जा रहा है। देश में खेलों का बेहतरीन मेजबान बनने की क्षमता है और सरकार ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता गोपाल मंडल ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि लालू यादव सटिया गए हैं, उनके कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। दरअसल गोपाल मंडल से मीडिया ने लालू यादव द्वारा राहुल गांधी को पीएम प्रत्याशी प्रोजेक्ट करने को लेकर सवाल किया था। गोपाल मंडल ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नीतीश कुमार ने संगठित किया, उन्होंने मेहनत की, देश भर की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सबको बुलाया कि बीजेपी के विरोध में, मोदी के विरोध में हमको काम करना है। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के भी सतर्क रहने और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने अपनी सलाह में कहा है कि सकरदू और डायमर क्षेत्रों में हाल के विरोध प्रदर्शनों के कारण ऐसी संभावना है कि बड़ी संभाएं हिंसक हो सकती हैं। सकुर्द और डायमर में हालिया विरोध प्रदर्शन और क्षेत्र में अतिरिक्त प्रदर्शन, सड़क बंद होने और स्थानीय मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क में संबंधित व्यवधानों की संभावना के कारण अमेरिकी नागरिकों को गिलगित बाल्टिस्तान में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। ब्रिटिश मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का गुणगान किया। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत कानूनी सुधारों, मूलभूत कल्याण योजनाओं में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में सफल रहा है। विवादों में घिरी राजनीति के बावजूद भारत अपने भौगोलिक लाभों और डिजिटल कौशल की व्यापक संभावनाओं के जरिए आगे बढ़ रहा है। भारत में संभावनाएं हैं लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने बड़े लक्ष्य तय किए और उन्हें हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। कैंसर किसी सेल के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर हमारे शरीर की सेल्स नियंत्रित तरीके से बढ़ती है और अलग होती है। जब सामान्य सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो वे मर जाती है और उनकी जगह स्वस्थ कोशिकाएं ले लेती हैं। कैंसर की सेल्स बढ़ती रहती हैं और जब उन्हें रुकना चाहिए तो कई गुना बढ़ जाती हैं। बच्चों में अलग अलग तरह के लगभग 100 से ज्यादा के कैंसर होते हैं। कैंसर के लक्षण वजन कम होना, शरीर में सूजन, लगातार कंपना, खाना निगलने में दिक्कत होना, रात में पसीना आना, तल में बदलाव होना, पेशाब में खून आना और दर्द महसूस होना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में G20 बैठक से पहले समाचार एजेंसी PTI को एक विस्तृत साक्षात्कार दिया है। साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने भारत में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के मकसद, अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल किए जाने के प्रस्ताव, वैश्विक पटल पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी, बायोफ्यूल, जलवायु परिवर्तन को लेकर कदम उठाने की जरूरत, वैश्विक कर्ज संकट, केंद्रीय बैंकों की नीतियों, भारत की अर्थव्यवस्था के जर्मनी और जापान से आगे निकल जाने, चरमपंथ, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के मुद्दे पर बात की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश बाबू जब हमारे साथ थे तो उनकी कितनी इज्जत थी, अब जहां गए वहां एक संयोजक तक नहीं बनाए गए। वहीं इंडिया पर भी हमला करते हुए कहा कि इनके पास न तो नेतृत्व है और न नेता, ये लोग सिर्फ मोदी को गाली देने के लिए एक मंच पर आते हैं। उन्होंने तेजस्वी के रोजगार वाले वादों को याद दिलाते हुए पूछा कहां है 10 लाख रोजगार। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पहले चुनाव का डर क्यों है, नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी करें, जब आप लोकप्रिय नेता हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत के विकसित देशों में शुमार होने के विजन पर शशि थरूर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब देश कठिन समय से गुजर रहा हो तो सुदूर भविष्य की कल्पना करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी महाशक्ति के बारे में बोलना जल्दबाजी होगी क्योंकि हमारे बहुत से लोग अब भी बेहद गरीब है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा था कि मुझे यकीन है कि 2047 तक हमारा देश विकसित देशों में शुमार होगा। हमारे गरीब गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के बदलाव दुनिया भर में सबसे अच्छे होंगे। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होगी।
बोधगया में जयप्रकाश उद्यान के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे बौद्ध भिक्षुओं को रविवार का उद्यान प्रबंधन की ओर से रोक दिया गया। ऑन ड्यूटी जयप्रकाश उद्यान के कर्मियों का कहना था कि बगैर प्रवेश शुल्क दिए परिसर के अंदर जाना मना है। इसी बात को लेकर सभी बौद्ध भिक्षु नाराज हो गए और जयप्रकाश उद्यान के बाहर मुख्य द्वार पर नारेबाजी करने लगे। महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदंत हर्षबोधी ने कहा कि बौद्ध भिक्षुओं के साथ आज जो हुआ है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जानबूझकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। एशिया कप 2023 के बीच टूर्नामेंट में ही भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने घर लौट गए हैं। भारतीय टीम का अपना दूसरा मैच सोमवार 4 सितंबर को नेपाल के खिलाफ खेला जा रहा है, जिसमें बुमराह नहीं खेल रहे। हालांकि इसी बीच अच्छी खबर यह है कि बुमराह जल्द ही टीम के साथ फिर जुड़ जाएंगे। वो नेपाल के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, मगर उसके बाद सुपर 4 के लिए भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे। IRCTC 8 दिसंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक के लिए थाईलैंड घुमाने के लिए एयर टूर पैकेज संचालित करने जा रहा है। इस पैकेज की शुरुआत नवाबों की नगरी लखनऊ से होगी। इस पैकेज का नाम स्पार्कलिंग थाईलैंड एक्स लखनऊ है। इस पैकेज के तहत आपको 5 रात और 6 दिन थाईलैंड में घूमने का मौका मिलेगा। इस पैकेज के दौरान आपको बैंकॉक और पटाया की खूबसूरत जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। इस पूरे पैकेज पर आपको कम से कम 7,300 रुपए खर्च करने होंगे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के दौरान इसके काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो साइंटिस्ट एन वलारमथी का निधन हो गया है। महिला वैज्ञानिक की मौत के पीछे का कारण कार्डियक अरेस्ट है। वलारमथी ने रविवार को आखिरी सांस ली। मालूम हो कि चंद्रयान 3 तीसरा मून मिशन है, जिसकी लॉन्चिंग 14 जुलाई को की गई थी और इसी काउंटडाउन में वलारमथी ने अपनी आखिरी आवाज दी थी। चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। सोमवार को शुरुआती कारोबार इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। तारा विदेशी फंड प्रवाह से भी शेयर बाजार में आशावादी रुझान आए हैं। कई एक्सपर्ट का मानना है कि वैश्विक रुझानों के कारण शुरुआती कारोबार में तेजी आई है। आज अपने पिछले दिन की रैली को आगे बढ़ाते हुए BSI बेंचमार्क सेंसेक्स 243.69 अंक चढ़कर 65,630.85 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 51.5 अंक बढ़कर 19,526.80 पर पहुंच गया, जबकि पिछले हफ्ते शुक्रवार को BSI 555.75 अंक या 0.86% बढ़कर 65,387.16 पर बंद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि मुलाकात कल शाम हो सकती है। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर के उद्घाटन और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस मुलाकात में यह चर्चा हो सकती है। बता दें कि अगले साल जनवरी में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा के लिए बीते 24 अगस्त को जिला प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी अयोध्या के मंडलायुक्त कार्यालय में। इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए थे। भारत ने आगामी 10 वर्ष में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का औपचारिक निर्णय किया है। नेपाल के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भारत के इस फैसले पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि भारत की कैबिनेट बैठक में 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट बिजली खरीद संबंधी प्रस्ताव के पारित होने की जानकारी मिली है। भारत का यह फैसला नेपाल के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव के एक बयान से हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल उन्होंने रूसी विदेशी मंत्री सरगेई लावरोव को लेकर कहा दिया कि वो वुमेनाइजर है, जिसके बाद से उनकी काफी आलोचना हुई है। हालांकि अभी अलीपोव ने अपने बयान को लेकर खेद जताया और रूसी विदेश मंत्री की तारीफ की है। शुक्रवार को फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीपोव से G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न आने को लेकर सवाल किया गया। जवाब में अलीपोव ने कहा, रूसी पुरुषों पर आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। वैसे लावरोव शादीशुदा है, लेकिन वह महिलाओं में अधिक रुचि रखने वाले इंसान हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना है तो इसी महीने आवेदन करने की अंतिम तारीख है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं 30 सितंबर तक आवेदन कर सकती हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग में इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से दी है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट आयोजित होने वाला है। G20 समिट को लेकर DCP मेट्रो ने चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर दिल्ली मेट्रो को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में बताया गया है कि मेट्रो स्टेशन के 1, 2, 3 गेट बंद रहेंगे, वहीं 4 नंबर गेट खुला रहेगा। कैलाश कॉलोनी का 2 नंबर गेट बंद रहेगा, वहीं 1 नंबर गेट एंट्री और बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1, 2, 3 और 4 बंद रहेंगे। एंट्री और एग्जिट गेट नंबर 5 से मिलेगी। जंगपुरा का गेट नंबर 1 और 3 बंद रहेगा। अंदर और बाहर जाने के लिए गेट नंबर 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। विशेष तौर पर दिल्ली, NCR, हरियाणा और पश्चिमी चंबा राजस्थान में अगले कुछ दिन तक बारिश का अनुमान नहीं है। इन राज्यों के अलावा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और गोवा से भी सोमवार को भारी बारिश का अनुमान है। ओडिशा में 7 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड और अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में भी कल यानी मंगलवार 5 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी संजना गणेशन ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बुमराह ने इंस्टाग्राम पर एक शानदार तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन दिया, हमारा छोटा परिवार बड़ा हो गया है और हमारा दिल जितना हमने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा हुआ है। आज सुबह हमने अपने छोटे लड़के अंगद जसप्रीत बुमराह को दुनिया में स्वागत किया। हम सातवें आसमान पर है और हमारे जीवन का यह नया अध्याय अपने साथ जो कुछ भी लेकर आएगा उसका इंतजार नहीं कर सकते। बिहार के एक सरकारी शिक्षक के द्वारा रक्षाबंधन के दिन स्कूल में अपनी बहन से राखी बंधवाने का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें शिक्षक सुनील कुमार स्कूल परिसर में बहन से राखी बंधवा रहे हैं और रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द किए जाने पर शिक्षा विभाग के SC/SK के पाठक को कोस रहे हैं और अमर्यादित बयान देते दिख रहे हैं। इसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के DPO की अनुशंसा पर शिक्षक सुनील कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। कोविड के टीके और हार्ट अटैक के संबंध को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है। इस रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना के टीके की वजह से हार्ट अटैक के केस नहीं बढ़े हैं। इस रिसर्च को जनरल PLOS में प्रकाशित किया गया है। यह स्टडी अगस्त 2021 से 2022 के बीच दिल्ली के GB पंत अस्पताल में भर्ती किए गए 1578 हार्ट मरीजों पर की गई। इनमें से करीब 70% मरीजों को कोविड का टीका लगा था और 30% ने वैक्सीन नहीं ली थी। आज सुबह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी राबड़ी देवी पटना से सोनपुर पहुंची, जहां उन्होंने हरिहरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद दिया। जानकारी के अनुसार लालू यादव राबड़ी देवी का हरिहरनाथ मंदिर से पहले से ही काफी अधिक लगाव रहा है। लालू जब भी बिहार में होते हैं तो वह हरिहरनाथ मंदिर जाकर जरूर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे गिरकर 82.77 पर आ गया, जिसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त को माना जा रहा है। आज शेयर बाजार के दोनों सूचकांक खड़े निशान पर कारोबार कर रहे हैं। आज इंटरबैंक विदेशी मुद्रा पर रुपया 82.71 पर खुली और 82.77 पर पहुंच गई, जो पिछले बंद के मुकाबले 15 पैसे की गिरावट दर्ज करती है। वहीं पिछले हफ्ते शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 82.62 पर बंद हुआ था। डॉलर इंडेक्स जो 6 करेंसी की मजबूती को दर्शाता है उसके अनुसार डॉलर 0.06% की मामूली गिरावट के साथ 104.17 पर आ गया। पिछले दिनों अगस्त में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को लेकर इंडिया टुडे मूड ऑफ नेशन ने सर्वे किया गया तो CM योगी आदित्यनाथ ने सबको पछाड़ दिया और वो देश के सबसे लोकप्रिय CM के तौर पर उभर कर आए। इस सर्वे में देश के 30 मुख्यमंत्रियों के नाम दिए गए थे, जिसमें लोगों से उनकी पसंद के हिसाब से रेटिंग देने को कहा गया था। इस सर्वे में CM योगी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। उन्होंने 43% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, उन्हें केवल 19% लोगों ने अपनी पसंद बताया। जनवरी में ये 16% थे। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चौथे नंबर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन रहे। अगर आप विंडोज सिस्टम यूज करते हैं तो आपने अपने कंप्यूटर में वर्ड पैड नाम का एप्लीकेशन जरूर देखा होगा। ये पिछले 30 सालों से विंडोज OS के हर वर्जन में बना हुआ है, लेकिन अब कंपनी इस ऐप को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हटाने वाली है। कंपनी ने एक ऑफिशियल नोट में कहा है कि वर्ड पैड को अब अपडेट नहीं किया जा रहा और विंडोज में भविष्य के रिलीज में उसे हटा दिया जाएगा। इस ऐप के बदले कंपनी DOC और RTF जैसे रिच टेक्स्ट फाइल्स के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और TXT जैसे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स के लिए विंडोज नोट पैड को यूज करने की सलाह यूजर्स को दे रही है। होंडा ने अपनी ऑल न्यू एलिवेटेड SUV लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 11 लाख रुपए है, वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत 16 लाख रुपए है। एलिवेटेड कुल 4 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें SVV, VX और ZX शामिल है। हाईवे पर इस SUV का माइलेज करीब 16 से 17 KMPL का है, वहीं सिटी में माइलेज 12 से 13 KMPL तक है। इस SUV में 10.25 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन एम्पोर्टमेंट सिस्टम, ADS, बेस्ट ड्राइवर असिस्टिव, 8 स्पीकर, 6 एयरबैग और सेफ्टी टेक्नोलॉजी के होंडा सेंसिंग सूट जैसे फीचर्स दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अहम गाइडलाइन जारी किया है। दरअसल UGC ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि छात्रों की डिग्री और अनन्यतम प्रमाण पत्रों पर आधार नंबर छिपाने की अनुमति नहीं है। UGC के सचिव मनीष जोशी ने विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर कहा, नियम के अनुसार आधार नंबर रखने वाली कोई भी संस्था इससे जुड़ी किसी भी डाटाबेस या रिकॉर्ड को तब तक सार्वजनिक नहीं करेगी जब तक कि नंबर को उचित तरीकों से संपादित या ब्लैक आउट न कर दिया गया हो। छात्रों की डिग्री और अंतिम प्रमाण पत्रों पर आधार नंबर छापने की अनुमति नहीं है। भारत की 17 साल महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने इतिहास रच दिया है। दिव्या देशमुख ने कोलकाता में आयोजित टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट जीत लिया है। दिव्या देशमुख ने 9 राउंड में 7 अंक प्राप्त कर इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया। उन्होंने यह खिताब विश्व चैंपियन जू वेनजून से आधा अंक आगे रहते हुए अपने नाम किया। इस तरह वर्तमान विश्व चैंपियन चीन की जू वेनजून दूसरे स्थान पर रही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, धनंजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, HK शर्मा, भारती हरी, मोहम्मद सकी हुसैन, अनवर करीम खान, अर्जुन राम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किस सोशल मीडिया पर अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।